अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की 5 सदी से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त होने का ऐतिहासिक पल आ गया है। आज बुधवार 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त दोपहर 12:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ ही औपचारिकता रूप से मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारम्भ हो गया है। इसके साथ ही करोड़ों राम भक्तों की प्रतीक्षा के साथ ही उनके सारे समय भी समाप्त हो गए। उन हजारों दिव्यन आत्माओं को शांति मिल गई जो इस स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण के संकल्प और सपने के साकार होने की प्रतीक्षा करते करते संसार से चले गए थे। इसी के तहत आज पूरे देश प्रदेश सहित कौशाम्बी जनपद में भी बड़ी धूमधाम से श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास अवसर पर भव्य लड्डू वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। कौशाम्बी के मनौरी बाजार में लड्डू वितरण कार्यक्रम जगह जगह रखा गया। वहीं मनौरी बाजार के प्रमुख चौराहे मंदिरों में राम भक्तों ने कई कुंटल लड्डू का वितरण किया और हर घर में दीप प्रज्वलन कर दीपावली मनाई गई। आज ऐसा लग रहा था कि मनौरी बाजार अयोध्या नगरी हो गई है, जहाँ श्री राम प्रभु खुद आ गए हैं। राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनवाएंगे नारे से गूंज गया सारा नवमंडल। लोगों के मुंह से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगते रहे। लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज 492 साल बाद लोगों में खुशी की जाहिर करने का शब्द नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि लोग घर में रहकर दीप जलाएं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि स्थल पर आए हैं। नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं जो राम जन्मभूमि स्थल पर गए। भारत के अन्य प्रधानमंत्री भी अयोध्या गए थे, लेकिन राम जन्मभूमि स्थल से दूरी ही रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12:15:15 पर होने वाला है और इसी के तहत पूरे देश में पूरे प्रदेश में हर जगह राम भक्त द्वारा लड्डू वितरण कार्यक्रम और भी जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ पर काफ़ी चुस्त। कल एसपी कौशाम्बी अभिनंदन सिंह कभी पूरे जिले में घूमा रहा है और उन्होंने लगातार ये प्रशासन को भी लगातार ये आदेश निर्देशित किया है कि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं वो कल होने वाले शिलान्यास का देख रेख करेंगे। तो उसी के तहत आज के नाम में आपको प्रशासन भी आप दिख रही है यहाँ पर और यहाँ पर जो राम भक्त हैं और राम भक्त जो लड्डू वितरण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं वहाँ पर बाजार में कई स्थानों पर मंदिर और चौराहों पर लगाए गए हैं। यहाँ पर कई लोग हैं और उनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या इन लोग यहाँ पर प्रोग्राम रखे हुए हैं। आइए देखते हैं यहाँ का क्या प्रोग्राम है। यहाँ पर भगवान श्री राम का बहुत ही वर्षों बाद बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद हमारे आराध्य भगवान श्री राम का आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा शिलान्यास समारोह हुआ है। और क्या कहना चाहते हैं कि जो यह आयोजन हुआ है स्वच्छ नहीं एक त्यौहार है। हम 135 करोड़ बहुत सालों बाद है, हमें अपनी खुशी का जाहिर करने के लिए इसीलिए एक मनौरी बाजार का तरफ एक नया मैसेज देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक लड्डू वितरण का कार्यक्रम है और खुशी का भाव लोग सारी जनता इकट्ठा होकर एक काम में राम दरबार की व्यवस्था करके राम के तरीके से राम में होना चाहती है। मनौरी बाजार ऐसा यहाँ पर लग रहा है आज लगभग 5 सदी बीतने के बाद ये यहाँ पर राम मंदिर का जो निर्माण हुआ क्या कहना चाहते हैं। बड़ी लंबी लड़ाई इस राम जन्मभूमि के लिए हमारे पूर्वज लड़ते चले आए। लगभग 450 वर्ष बाद आज ये शुभ देखने को दिन आया है कि अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकमलों द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसके फैसले पर ऐसा लग रहा है बहुत है। यहाँ पर जो भी
में यहाँ पर एसडीएम चहल भी आ चुके हैं और उनसे बात करते हैं क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर शासन की व्यवस्थाएं हैं काफ़ी ठीक है और लोग भी काफ़ी पहले आते हैं और वहाँ पर भी क्या होना है क्या रहा है मंदिरों में जो भी यहाँ पर है कार्यक्रम का अभी यहाँ पर उसका पूरा भव्य भव्य लगाया ये जो प्रोग्राम था लड्डू वितरण का ठीक है इस पर लोगों को आज क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज शिलान्यास हुआ है। ये लड्डू इस खुशी में बट रहा है और पूरे मनोहरी बाजार में बट रहा है ये लड्डू और वो इसलिए बट रहा है कि हमारे पूर्व राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़के चले आए अंत में सफलता अपने हिंदू संगठन को मिला और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आदेश पर आज अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास हो रहा है भूमि पूजन हो रहा है अब आज से मंदिर का निर्माण काम शुरू हो गया। उसी अपार खुशी के कारण ये घर घर लड्डू बट रहे हैं और खूब बट रहे हैं। आपका नाम? शंभूलाल केशरवानी मनोहरी बाजार। आप क्या कहना चाहती हैं 500 वर्षों बाद जो सभी का सपना था पूरे देशवासियों का कि राम जन्मभूमि कब उसमें शिलान्यास हुआ कब मंदिर बनेगी आज वो पवित्र और शुभ अवसर आ गया है। सारे देशवासी बहुत प्रसन्नचित हैं हमारे मनोहरी बाजार के सभी लोग प्रसन्नचित हैं और शिलान्यास की खुशी में मंदिर बनने की खुशी में सभी लोग आज पूरे मनोहरी बाजार में बड़े हर्ष और उल्लास साथ लड्डू रामलला हम जाएंगे क्या कहना चाहते हैं सर? पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली निश्चरहीन करेंगे धरती यह प्रण है श्री राम का। राम जी की सेना चली आज मनो